2020 के बाद एक बार फिर चीन ने भारतीय सीमा में घुसने की हिमाकत की है। इस बार उसने अरुणाचल प्रदेश के त्वांग में घुसने का दुस्साहस दिखाया, लेकिन भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। चीन का एक भी सैनिक भारतीय सीमा में घुस नहीं पाया। असल में त्वांग चीन की वो दुखती रग है जो बार बार चीन को तकलीफ देती है। 1962 की जंग के बाद से लगातार चीन इस फिराक में रहता है कि त्वांग पर कब्जा कर ले। चीनी सैनिक बार बार ये कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिश हर बार नाकाम होती है। आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का सबसे शानदार शो न्यूज लैब। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। तो आज जानने की कोशिश करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में कि चीन भारत से चाहता क्या है, वो दोस्ती का मुखौटा लगाकर बार बार दगा क्यों देता है, और राष्ट्रपति, जी हां, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये सपने में भी कैसे सोच सकते हैं कि उनकी ये नापाक कोशिश भारत के त्वांग को अपने में समाहित कर लेगी, क्योंकि भारत अब 1962 का भारत नहीं रहा। गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है, और इस बहते पानी के साथ भारत आज वैश्विक मानचित्र पे सुदृढ़ है, सशक्त है। आखिर चीन के इस दुस्साहस के मायने क्या हैं? चीन बार बार ऐसा क्यों करता है, समझने की कोशिश करेंगे। और न्यूज लैब में आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल अश्वनी सिवाच। शुरुआत करते हैं न्यूज लैब की। मुठभेड़ हुई हमारे तो 40 के करीब जवान शहीद हुए, 400 से ज्यादा चीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो हमने बता दिया था कि भारत क्या तो चीन की इन गुस्ताखियों को समझने की आज कोशिश करते हैं न्यूज लैब में, और मेरे साथ जुड़ चुके हैं बेहद खास मेहमान रिटायर्ड मेजर जनरल अश्वनी सिवाच। सर बहुत बहुत स्वागत, वेलकम टू आवर शो। सर मुझे ये समझना है कि जून में हमने बातचीत की, डिसएंगेजमेंट पे बातचीत की गई, फिर चीन की ये गुस्ताखी, हम समझने में भूल कर गए क्या चीन को? देखो नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। देखो चीन जो एक प्रकार विस्तारवादी गतिविधि में है और सच्चाई यह है कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये वेल डिफाइंड नहीं है ग्राउंड पे, और ये सच्चाई है कि 3488 किलोमीटर का ये जो इलाका है, इसके अंदर जो इलाका है तीन सेक्टरों में बटा हुआ, ईस्टर्न सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश का, सेंट्रल सेक्टर है उत्तराखंड और हिमाचल का, और वेस्टर्न सेक्टर है ईस्टर्न लद्दाख। अगर हमें ध्यान है कि ईस्टर्न लद्दाख के अंदर जो चीन आया 2020 में 3 डिवीजन लेके, ये भी सच्चाई है कि विद इन 1 मंथ हमने भी मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर ली और एक प्रेशर डाला चीन पे, और 29-30 अगस्त को एक बड़ा ऑफेंसिव मैन्यूवर करके हमने क्लास रेंज को पकड़ा था। अच्छा। जो कि एक बहुत ही अगले 50 साल तक मिलिट्री हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा कि उससे क्या हुआ था, चशून बाउल्डो बाउल जो था वो भारत के कब्जे में था, और स्पांगूर गैप जहाँ से चीन 1962 में आया था वो भी हमारे फायर एंड ऑब्जर्वेशन, वो अलग बात है। हमने डिसएंगेजमेंट की प्रतिक्रिया होनी थी नॉर्थ और साउथ पंगेंगसो में, तो हमने क्लास रेंज को वैकेट किया, मगर अभी हम चौकन्ने थे लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश। हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया है, ब्रिजेज बनाई हैं, टनल्स बनाए हैं, हमारा लॉजिस्टिक बिल्डअप बड़ा है, चीन भी कर रहा है इसमें कोई शक। अब जो चीन की आप अंदरूनी हालात देखें उससे समझ आएगा कि आज की तारीख में वहां पर इकोनॉमिक कंडीशन बात करूंगा। लेकिन सर मुझे फिलहाल वैश्विक मानचित्र पे जब स्थितियां इतनी गंभीर हैं, जब हम देख पा रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार तनातनी है, वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, उस बीच चीन की नापाक कोशिश, दुस्साहस, सर कैसा इंपैक्ट जाता है चीन को लेकर? वो तो पेशेवर सेना कहती है ना खुद को, ये तो बहुत ही छुटभैया वाला काम किया उसने। बिल्कुल किया, मगर आप समझे उसकी साइक क्या है। मैं यही बताने कोशिश कर रहा हूं घनश्याम, जो उसकी इंटरनल प्रॉब्लम है वो काफी है। आजकल इकोनॉमिकली चीन अच्छा नहीं कर रहा, इन्फ्लेशन रेट डबल फिगर में है, कोविड 19 की पॉलिसी में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तिनामैन स्क्वायर के बाद आज सड़क पे आ रहे हैं, शी जिनपिंग गो बैक के नारे लग रहे हैं, सप्लाई चेन जो थी उनकी मेन वो शिफ्ट हो रही है इंडोनेशिया, वियतनाम और भारत। ऐसे में वो चाहते हैं कि पब्लिक की अटेंशन डाइवर्ट हो। उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो वो कुछ ताइवान में करे,
मगर ताइवान में वो डरता है क्योंकि अमेरिका ने दो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप लगा रखे हैं, यूएसएस निमचेज और यूएसएस रोनल्ड रीगन लगा रखे हैं साउथ चाइना सी में। तो उसको लगता है कि अगर पब्लिक का ध्यान बांटना है तो कुछ ना कुछ हरकत भारत के आगे दोबारा की जाए, और इसीलिए उसने अरुणाचल प्रदेश में ये जो अब त्वांग के एरिया में किया है, ये यांगसे में, ये सोची समझी साजिश है। जब आगरा क्वेश्चन पूछेगी मैं समझाऊंगा। सर क्यों? सर ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए 2020 में गलवान हम सब ने देखा और गलवान के बाद जबरदस्त हमने रिएक्ट किया, रिटेलिएट किया, लेकिन उसके बावजूद अगर चीन इस तरह की स्ट्रेटेजी अख्तियार करता है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि उसकी सत्ता असल में शी जिनपिंग के हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है, वो कमजोर होती ताकत को वहां मजबूत करना चाहता है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी असल में है क्या सर? बिल्कुल है। देखो वो चाइना अपनी तरफ से देख रहा है, उसको लगता है कि अभी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, यहाँ प्रेशर डाल के डाइवर्ट करे अटेंशन। मगर मैं देखो अप्रैल मई 2020 के बारे में भी बात करूं, ये अलग है कि हमने 16 कोर कमांडर की मीटिंग कर ली है, डिसएंगेजमेंट हुई है, तीन फ्रिक्शन पॉइंट में हो गए नॉर्थ और साउथ पंगांगसो, गोगरा और हॉट स्प्रिंग, और वहां पर भी डैपसांग और डैमचोक अभी रह गए हैं। अच्छा। और मीटिंग चलती जा रही है 16 कोर कमांडर के बाद WMCC की मीटिंग भी हो रही है। मगर ये भी सच्चाई है कि चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है बहुत तेजी से। ये लास्ट 2 साल में भी उसने कम से कम 3,500 गांव बना दिया LAC के पास। वो गांव नहीं है, वो डिफेंडिंग लोकेलिटी है, अपना एक सबसे बड़ा सप्लाई लॉजिस्टिक सिस्टम बना दिया है टिबेट ऑटोनोमस रीजन में, एयरफील्ड को अपग्रेड कर दिया, हेलीपैड बनाए हैं और बेटर से बेटर वेपन लेके आया, मिसाइल रॉकेट और बस्तरबंद गाड़ियां टैंक भी उसने तैनात कर दिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। तो ये भी बात मान के चलनी पड़ेगी कि चीन तैयारी कर रहा है और 2020 से बहुत तेजी से तैयारी कर रहा है, मगर ये भी सच्चाई है भारत को पता और भारत उससे भी ज्यादा तैयारी कर रहा है। हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बिल्डअप किया है, हमने सड़कें बना ली हैं, टनल बनाई हैं, ब्रिजेज बनाए हैं, हमने कुछ और काम भी बहुत किया, लेकिन हमने एग्रेसिव पेट्रोलिंग भी की है, हमने जो M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर, उसके बाद आपका K9 वज्रा और टैंक बत्तरबंद गाड़ियां भी लेके हैं। ये सच्चाई है दोनों तरफ से, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप और दोनों तरफ से मुझे लगता है एक प्रकार ये तैयारी है। यानी भारत 1962 का वो भारत नहीं है जिसको चीन दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन सर मुझे ये बताइए, जिसका जिक्र अभी आप कर भी रहे थे, जो 3,000 किलोमीटर की सीमा है, जो जगह है जो LAC पे है, वो कितना भ्रमित करती है, कितना कंफ्यूज करती है, और क्या इस तरह की जो हरकतें होती हैं जब चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक आमने सामने हो जाते हैं, क्या वो कंफ्यूजन का रिजल्ट है सर? बिल्कुल, देखो ये सच्चाई माननी पड़ेगी, ये जो 3,488 किलोमीटर का जो एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो ग्राउंड पे डीमार्क नहीं है। और होता क्या है, अगर मैंने बताया था आपके पास 3 सेक्टर हैं, ईस्टर्न सेक्टर जो है वो है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, और उसके बाद सेंट्रल सेक्टर है जो कि आपका हिमाचल उत्तराखंड, और वेस्टर्न सेक्टर है आपका लद्दाख। आज तक भारत और चीन के बीच में मैप भी नहीं एक्सचेंज हुए हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर के, सेंट्रल सेक्टर के हुए थे। तो अभी तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ग्राउंड पे मार्क नहीं है। मैं मानता हूं जो ईस्टर्न सेक्टर है, जो अरुणाचल प्रदेश है, वो एक तरीके से मैकमोन लाइन पे माना जाता दोनों कंट्री, वो है वाटरशेड प्रिंसिपल पे। मगर सच्चाई है ग्राउंड पे दोनों कंट्रीज कई जगह में एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है। हम सोचते हैं ये इलाका हमारा है, चीन सोचता है वो हमारा है, इसलिए क्योंकि डीमार्क नहीं है, बाउंड्री नहीं है। और ये भी सच्चाई है घनश्याम कि चीन का 14 देशों से लैंड बाउंड्री मिलती है, मगर उनमें से 12 की उसने समझौता कर लिया है, 2 से नहीं किया जानबूझ के। अच्छा। उसमें भारत और भूटान है, वो भारत को प्रेशर में डालना चाहता है और भारत से समझौता नहीं करेगा, और अभी वो भूटान पे प्रेशर डाल के डोकलम के इलाका को लेना चाहता है। अच्छा। जिससे वो चुंबी वैली को डोमिनेट करे। और दूसरा एक बहुत बड़ी विचलित बात है, अगर आप त्वांग का एरिया है, त्वांग के वेस्ट में एक सेकाटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भूटान में, वो आज तक डिस्प्यूटेड नहीं था, लास्ट 2 साल में उसने उसको भी डिस्प्यूटेड बना दिया। मतलब कि भूटान से वो सेकाटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लेना चाहता है, उससे वो त्वांग के वेस्ट में भी आ जाएगा। तो ये सच्चाई है कि चीन नहीं चाहता कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजोल्व करे, वो भारत को प्रेशर में डालना चाहता है और इसलिए अपनी तरफ से वो इंफ्रास्ट्रक्चर ना जा रहा है। मगर ये अलग बात है कि हमारा सोच बदली है, पहले हमारी क्या सोच थी आज से 15-20 साल पहले कि भाई अरुणाचल प्रदेश को डेवलप कर दिया, हमने सड़कें बना दी तो चीनी आ जाएंगे क्योंकि चीन के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। मगर वो माइंडसेट बदल चुका है और प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है 2014 के बाद
कम से कम 10,000 करोड़ रुपए दे चुकी है बॉर्डर रोड को, और जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे क्योंकि इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस नहीं था, इस गवर्नमेंट ने आते ही उनको क्लियर कर दिया। आज सड़कें बन रही है, टनल देखो, सैला टनल जो बन रही है तवांग में, आज वो जब कहीं अगले साल मिडल तक वो बन जाएगी तो आपकी ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी तवांग के साथ। इसी प्रकार से आपकी अटल बिहारी वाजपेयी टनल बनी, जोजिला टनल बनी, और कुछ टनल बन रही हैं, यानी डेवलपिंग मोड में भारत दिखाई देता है। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि चीन के पेट में जो दर्द हो रहा है, क्या भारत की अमेरिका के साथ बढ़ती नजदीकियां इसकी एक वजह है? क्योंकि हाल ही में हमने देखा उत्तराखंड के औली में एक ज्वाइंट सेशन हुआ, युद्धाभ्यास हुआ, जिसमें भारतीय सैनिकों ने और अमेरिका के सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया। क्या अमेरिका की नजदीकी हमको एक खामियाजा दे रही है? बिल्कुल दे रही है। देखो जो मैं बता रहा था कि उसका एक रीजन ये था कि हो सकता है वो जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है उसका माइंड डाइवर्ट, उसका दूसरा ये भी रीजन है कि जो भारत के साथ अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रहा है वो उसको कतई मंजूर नहीं। और जिस प्रकार से हमने 4 बेसिक एग्रीमेंट साइन किए हैं अमेरिका से, जिसके अंदर पहले है कॉमकासा, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड एग्रीमेंट, लोमियो, लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। इसके साथ भारत की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई अमेरिका से उससे काफी फर्क पड़ा है। इसका मतलब जो रियल टाइम इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है आज की तारीख में अमेरिका, उसके बाद भारत को वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे रहा है, लेटेस्ट वेपन सिस्टम दे रहा है जो कि वो नेटो को देता था। तो जब भारत और अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए हैं, और अभी फिलहाल में जो आपने बताया ओली के अंदर उत्तराखंड में एक युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज हुई, जो हुई वो बिल्कुल कतई मंजूर नहीं है चीन को, उसको आग लगी है। वो बार बार कह रहा था ये एक्सरसाइज जो है वो क्यों कर रहा है 100 किलोमीटर LAC से। और अगर आपका ध्यान में ले जाऊं कि अमेरिका के जो एम्बेसडर ने भी बोला था दिस इज नन ऑफ द बिजनेस ऑफ चाइना, ये भारत और अमेरिका के बीच के अंदर, और ये युद्ध बाद 17वीं बार था, ये नहीं कि अब कर रहे हैं, करते फिर होने जा रहा है, फिर होने जा रहा है। तो सच्चाई ये है कि वाकई इसको जो भारत और अमेरिका के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उससे उसको बहुत ज्यादा नाराजगी है। दूसरा, हम क्वाड के भी मेंबर हैं, जो क्वाड में अमेरिका भी है, भारत भी, ऑस्ट्रेलिया भी, जापान भी है, और जो क्वाड है वो इंडो पैसिफिक में बेसिकली जो एक्सपेंसिव एटीट्यूड है चीन का उसके अगेंस्ट है, जिसको चीन बोलता है एशियन नेटो, और उसका बेसिक प्रिंसिपल है फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक होना चाहिए। अच्छा। और 3 गाइडिंग इसके रूल है, एक तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए, और मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड नेशन, ये चीन मानता नहीं। तो इसी के लिए क्वाड बना है, इसको काउंटर करने। तो सच्चाई ये है कि भारत की नजदीकियां जो हो रही हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है अमेरिका के साथ, ये भी चीन को पसंद खलती है। लेकिन यहाँ हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि जो सर चीन का डुअल फेस है, दोहरा चरित्र है, क्योंकि सर आपको याद होगा नवंबर में G20 जो बाली में हुआ, वहाँ प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में हालांकि बहुत औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन उस मुलाकात के बाद ऐसा हमें आभास नहीं हो रहा था, ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि इस तरीके से चीन यहाँ पे रिएक्ट करेगा या इस तरह की दगाबाजी वो भारत के साथ कर सकता है। सर ये चीन का कौन सा मुखौटा है जिसको आज उतार देंगे आप? बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है, आपने ठीक बोला कि अनऑफिशियली टाइप सी मीटिंग हुई थी बाली के अंदर इंडोनेशिया में, G20 मीटिंग के था, मगर वो कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी और एक कर्सी मीटिंग थी। मगर ये सच्चाई है कि चीन पे भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है, जो चीन कहता है करता है उसमें फर्क है। अब आप कुछ क्वेश्चन ये पूछेंगे, वो आया तो आया त्वांग में क्यों, त्वांग और क्यों आया वो यांगसे में, उसके मैं आपको बताऊंगा। देखो त्वांग जो है रिलीजियस और पॉलिटिकल सेंटर है और बुद्धिज्म का, और त्वांग को अगर वो ले लेता है तो वो रोल डाउन करना असम के लिए बड़ा आसान है, और वेस्ट में जाए तो भूटान में जा सकता है। और उसने यांगसे को सिलेक्ट किया, यांगसे एक 17,000 फीट की हाइट पे है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये 1986 में पकड़ा है यांगसे, उससे पकड़ने से हमारे को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, हम 7 से 8 किलोमीटर चीन के अंदर देख सकते हैं। अच्छा। जो बुमला पास है उसके नॉर्थ में 8 किलोमीटर तक पूरी वैली हमारे अंडर है, और इसी प्रकार भारत में भी देख सकते हैं। तो सच्चाई यह है कि ये 8 बार कोशिश कर चुका है 1986 के बाद चीन इसको लेने की, मगर चीन को ये नहीं पता कि भारत को इसका सब पता है, ये क्या कर रहा है। ये जो अभी आया है ये ऐसे सरप्राइज नहीं किया, हमें 5-6 दिन पहले ही पता था, जब इन्होंने अपने मस्टर अप किए ट्रुप जब मूव किया तो भारत की फौज पहले ही तैयार थी।
पिछले साल भी आया अक्टूबर में उसी में। ये जो आप वीडियो हो रहा है वायरल, ये 2021 का है, अक्टूबर का। अच्छा। मगर ये सच्चाई है, वो 300 के करीब उनके सैनिक आए और उन्होंने सोचा शायद सर्दियां पड़ गई हैं, बर्फ पड़ गई है। हाँ, ये मौसम भी एक बड़ी वजह है इस मौसम में ऐसा रिएक्शन। वो इसलिए उन्हें सोचा कि शायद भारत की फौज ने थिन आउट कर दिया होगा और ये बड़ा मौका है। देखो, फौज में सिखलाया जाता है वक्त का और वेदर का फायदा उठाओ। जब दुश्मन आपको सोचता है कि लीस्ट एक्सपेक्टिंग की आज आ सकता है, बहुत बारिश हो रही है, बर्फ पड़ रही है, कड़ाके उसी दिन अटैक करेगा, रात को करेगा। तो ये समझने की कोशिश है, मगर उसको मुंह की खानी पड़ी, उसको उल्टे पैर जाना पड़ा। सर 1962 में भी चीन ने ऐसी ही कोशिश की थी और ऐसे ही भ्रम में रख के हमारे साथ युद्ध किया। हालांकि अनफॉर्चुनेटली वो युद्ध हम हार गए, लेकिन ये चीन क्यों नहीं समझता कि 1962 से ये 2022 है, हम अब वो भारत नहीं रहे, ये समझता क्यों नहीं है चीन सर, वो किस मुकालते में है? बिल्कुल, देखो आपने ठीक बोला, 1962 में सच्चाई ये है कि इट वाज अ पॉलिटिकल डिफीट, मिलिट्री डिफीट नहीं थी, हमारे डिसीजन कुछ गलत हो गए। मगर ये भी सच्चाई है, उसके 5 साल के बाद 1967 में नथुला में एक बार फिर मुठभेड़ हुई, 16 में मुठभेड़ हुई, हमारे तो 40 के करीब जवान शहीद हुए, 400 से ज्यादा चीनियों को मौत के घाट उठा दिया था। तो हमने बता दिया था कि हम भारत क्या है। और उसके बाद आप देखो कि चीन फिर भी ट्राई करता रहता है, 2013 में उसने जो है डेपसांग किया, 2014 में चुमर, 2017 में डोकलाम, 2020 के अंदर वो 3 डिवीजन लेके आया। मगर उसको ये पता है ये बदला हुआ भारत है, ये ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अगर मैं अभी कंपैरिजन करूं चीन और भारत की फौज का, तो आपको लगेगा कि भारत की जो आर्मी, पहले मैं बताऊं, वो बैटल ट्रेंड है, बैटल हार्डन है, मोटिवेटेड है, क्योंकि साइकिल में भी हम गलवान और लद्दाख के इलाकों में भी रहे हैं। अब चीन की जो तैयारी है वो बड़ी कमजोर है, कि उन्हें 1979 के बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। और लास्ट लड़ाई लड़ी थी उसने वियतनाम के आगे, वहां भी मुंह की खानी पड़ी थी। अब देखें गलवान में क्या हुआ, हमारे तो 20 जवान शहीद हुए मगर 100 से ज्यादा चीनियों को मार गिराया। अभी आप ये जो वायरल हो रही है जो अभी वीडियो, उसमें देखें किस प्रकार से चीनियों को पीटा जा रहा है, खदेड़ दिया। मेरा मतलब ये है कि भारत की जो फौज है, भारत की जो आर्मी है, वो बैटल ट्रेन है, मोटिवेटेड और बैटल हार्डन। अब आती है एयरफोर्स की। देखो एयरफोर्स में हमारा अपर हैंड है, उसकी दो वजह है, एक तो हमारी जो एयरफील्ड लोअर हाइट में है, ज्यादा पे लोड कैरी कर सकती है, ज्यादा अम्यूनिशन कैरी कर सकते हैं हमारे जहाज। दूसरा क्या, हमारे पास क्वालिटी ऑफ जहाज बहुत अच्छे, मिराज 2000, मिग 29, सुकोई 30 MKI, जैगुआर, उसके बाद तेजस, और जब से रफेल आया है वो गेम चेंजर है। 2 स्क्वाड्रन आ गए, एक अम्बाला में, एक हाशिमारा में, उसके बाद हमारे पास अपाचे अटैक कैप्टर है। तो एयर पावर जो है वो भी कटिंग है, जब भारत की चीन के मुकाबले, चीन जो बोलता G20 वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, वो तो किसी ने देखा नहीं, क्योंकि आज तक उसका कोई वेपन लड़ाई के अंदर चला नहीं। दूसरा नेवी की सुनो, नेवी में घनश्याम याद रखो कि भारत की नेवी का दबदबा है इंडियन ओशन, हम मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकते हैं, 70% जो चीन का ट्रेड जाता है मलक्का स्ट्रेट से, अगर खुदा ना खासा लड़ाई हो जाती है तो हम उसको ब्लॉक कर देंगे। चीन के पास 40 से 50 दिन का ऑयल नहीं है, तो उसको मुंह की खानी पड़े। तो मतलब कि ओवरऑल अगर आप देखें, अगर चीन कोई भी लड़ाई करने की कोशिश करेगा तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हम ये 1900, आपने बहुत अच्छा बोला, ये बदला हुआ भारत है, ये 1962 का भारत नहीं, ये आज की तारीख में जो हमारी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसका भी बड़ा फर्क है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप है, एक है, उससे भी फर्क, उस पर करेंगे बात। लेकिन सर गलवान जब हुआ, गलवान के बाद जिनपिंग ने पीएलए को इंडिकेशन दे दिए थे कि भारत से युद्ध के लिए तैयार रहना है, तो भले ही चीन दोस्ती का लबादा ओढ़ ले, उसके मन में कहीं ना कहीं युद्ध की धधक है कि सर हमें बहुत हल्के में नहीं आंकना चाहिए, हम कितने ट्रेंड क्यों ना हो, क्या वो कंडीशन भी आ सकती है इन फ्यूचर? बिल्कुल आ सकती है, आप कभी भरोसा नहीं कर सकते चीन पे। किसने सोचा था डोकलम करेगा, किसने सोचा था वो 3 डिवीजन लेके आएगा। जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि भारत और जो चीन का है ट्रेड 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। भारत एक इतनी बड़ी मार्केट है, वो क्यों हमारी मार्केट को दूर करना चाहेगा अपने? मगर चीन पे कोई नहीं भरोसा कर सकता, उसने डोकलम किया और फिर 3 डिवीजन लिया। तो मेरा मतलब ये है कि हम तैयार हैं। अब वो उसने क्यों बोला कि भारत के साथ अगेंस्ट रहो, पीएलए को तैयार रहो, प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसकी फौज का मोराल बड़ा डाउन,
कॉन्स्पिरेशन आर्मी है, लड़ने को तैयार नहीं। दो दो ढाई ढाई साल के लिए आते हैं, दो दो ढाई साल के लिए आते हैं। हमारे सैनिक तो पूरा जीवन बिताते हैं, तो ढाई साल वाले सैनिक कहां लड़ाई दे पाएंगे? आपने रूस और यूक्रेन की लड़ाई में देख लिया, जो रूस के कॉन्स्पिरेशन सोल्जर थे भाग गए यूक्रेन के आगे। तो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अपनी फौज का मनोबल बढ़ाने के लिए ये कहा है, मगर ये मैं मानता हूँ चीन पे भरोसा नहीं कर सकते, पर चीन ऐसी गलती नहीं करेगा। बिल्कुल, वो इसलिए नहीं करेगा, अगर वो गलती करेगा तो इकोनॉमिकली तो वो डाउन होगा ही, मिलिट्री भी उसको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो और उसने रूस यूक्रेन वार को बड़े अच्छी तरीके से देख लिया है कि किस प्रकार से रूस जो कि एक सेकेंड मिलिट्री पावर थी और यूक्रेन जो एक बारहवीं मिलिट्री पावर थी, बड़ा चैलेंज दिया, उसने चैलेंज 10 बिन्ने हो गए और आज भी लड़ाई बंद होने का नहीं। तो ये मुझे लगता है शी जिनपिंग भी भली बात ही जानते हैं। लेकिन सर यहाँ से आगे की तस्वीर अगर हम देखते हैं, और ये हो सकता है कि मेरा सवाल आपको बहुत हाइपोथेटिकल भी लगे, और मैं चाहता हूँ ये हाइपोथेटिकल ही हो, अगर सर चीन त्वांग पे कब्जा कर लेता है तो हमारे लिए कितना बड़ा खतरा होगा, और क्या ये कब्जा आगे अरुणाचल प्रदेश में भी उसकी एस्टेब्लिशमेंट को और मजबूत कर देगा? देखो ये हाइपोथेटिकल केस है, मगर मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ ये कभी पॉसिबल नहीं, कि नहीं है। और दूसरी बात मैं एक माइंड सेट की बता रहा हूँ, देखो हमने लास्ट 10 साल में अपना जो फोकस है वेस्टर्न बॉर्डर से हटा के ज्यादा नॉर्थ बॉर्डर में कर दिया। इसका मतलब जो पाकिस्तान की तरफ हमारा फोकस था ज्यादा, उसको हटा के अभी चीन क्या केस कर दिया, हमारी 3 स्ट्राइक कोर मतलब कि जो पाकिस्तान के अंदर जाने के लिए है उनको भी हमने बदल के इस तरफ ज्यादा लगा दिए हैं, एक नई रेंज की है हमने चीन के अगेंस्ट स्ट्राइक कोर। कहने का मतलब यह है कि आज हम समझते हैं पाकिस्तान की इतनी काबिलियत क्षमता नहीं है कि वो भारत के साथ युद्ध करे, इकोनॉमिकली डाउन है, मिलिट्रली बहुत डाउन है, हमने चीन के अगेंस्ट फोकस कर दिया है। और यह भी सच है कि चीन को भी मालूम है कि भाई अब बदला हुआ भारत है, पहले हम सोचते थे ऑफेंसिव डिफेंस, चीन आएगा तो हम कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे, अब माइंडसेट है कि हम कैसे जाएंगे चीन में, हमारे पास स्ट्राइक कोर है, स्ट्राइक कोर में हम भी अंदर जा सकते हैं। तो अब चीन को भी डर है कि कहीं ना कहीं दरबुक शोक दौलत बैग और रोड बनाई, जब हमने डीबीओ के जो सेक्टर को हमने मजबूत किया वहां अपने जहाज रखे, तो चीन को डर था कि कहीं ना कहीं भारत कोई ना कोई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तो नहीं कर देगा, कहीं ना कहीं काराकोरम हाईवे को तो नहीं इंटरडिक्ट कर देगा, कहीं वेस्टर्न हाईवे जो सिंगजांग से लाता जाता उसको तो इंटरडिक्ट नहीं करेगा, तभी तो वो उसने गलवान में या 3 डिवीजन लेने। तो डर उसको बहुत है अभी, जिस प्रकार से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिस प्रकार से अभी कोशिश हो रही है, इसी प्रकार से वो दैपसांग में भी अभी पीछे क्यों नहीं जा रहा, उसकी वजह है वो डिफेंसिव है, उसको लगता है कि जिस प्रकार से हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ कि एक्साइजिंग को भी वापस लेंगे, होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी, उसको भी खतरा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये दरबुक शोक दौलत में एक रोड बना ली, अभी आरटीज बन रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ कि भारत तो कुछ नहीं कर रहा। तो ये समझना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि चीन ही ऑफेंसिव है, चीन बहुत डिफेंसिव है, चीन को डर है कि अब भारत बदला हुआ भारत है, भारत तैयार है, भारत की मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है, भारत की इकोनॉमिकली पावर। अब क्वेश्चन आता है घनश्याम ये सोचने का कि हम अगर आने वाले समय में चीन का क्या मुकाबला करेंगे। देखो चीन से अगर आप शांति चाहते हैं और चीन से आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो आपको इकोनॉमिकली और मिलिट्री आपको और पावरफुल होना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, अगले 10 साल में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा ही हो जाएगा जैसे चीन का। दूसरा हम इकोनॉमिकली बढ़ते जाएंगे तो हम मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत इज अ कीवर्ड, हथियार हम अपने बनाए और वो बहुत जरूरी। दूसरा हमारा ट्रेड जो है चीन के ऊपर कम होना चाहिए, वो धीरे धीरे कम होगा, इतना आसान नहीं। तो ओवरऑल हमारी एक स्ट्रेटेजी रोड मैप बन चुका है, चीन को लेके खास रणनीति बनाने की जरूरत है। लेकिन सर हम बदलती हुई चीजों की बात कर रहे हैं तो मुझे ये भी समझाइए सर, पीएलए का ये अग्रेशन किस ओर इशारा करता है? क्या जिनपिंग की सत्ता की डोर संभालने के बाद ये अग्रेशन बढ़ा है? ये जिनपिंग का कहीं रोल है बैक में जो बता रहा है कि पीएलए को इस मोड में रहना है? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि कोई भी पत्ता भी नहीं हिलता चीन के अंदर, आज जो शी जिनपिंग नहीं चाहे, और शी जिनपिंग जो है उसको प्रॉब्लम आ रही है, ताइवान पे भी कुछ करना चाहता है। मुझे लगता है ये जो थर्ड टर्म है उसकी, क्योंकि उसको थर्ड टर्म मिल चुकी है, अभी उसकी इकोनॉमी मेल्टडाउन है, बड़ा प्रोटेस्ट हो रही है, वो उससे निकल के वो कुछ ना कुछ मुझे लगता है ताइवान की तरफ करेगा, और ताइवान की तरफ करेगा ये अमेरिका को पता है, और उसको ये भी पता है कि हो सकता है उसको मुंह की खानी पड़े। रूस और यूक्रेन की लड़ाई को बड़े अच्छी तरीके पढ़ रहा है, याद रखो अगर रूस ने किसी को रूस को हेल्प दी है तो ईरान ने दी है, जो शाहिद ड्रोन दिए हैं,
कुछ हिसाब में नॉर्थ कोरिया, चीन खुल के नहीं आया रूस के सामने, क्योंकि उसको डर है कि उसको काटा लग जाएगा सेकेंडरी सैंक्शन, मगर चीन तैयारी करेगा। चीन के दो अगले 5 साल में जो है, एक तो कुछ ना कुछ ताइवान में, एक वो भारत के साथ कोई ना कोई हरकत। मैं ये कह रहा हूँ कि फुल फ्लैग लड़ाई नहीं करेगा भारत से, मगर ये जो बाइट करने वाली पॉलिसी है उसकी, जो निबलिंग वाली पॉलिसी है वो स्टार्ट रहेगी, उसके विरुद्ध हमने काम करना है। तो लगातार वो पिंग जरूर करता रहेगा। उस पिंग के बदले में हम कैसे रिएक्ट करते हैं इस पे हमें बात करनी होगी। लेकिन सर, हालांकि मैं जो आपसे पूछना जा रहा हूँ ये आपका विषय नहीं हो सकता है, पॉलिटिकल एक सवाल हो सकता है, लेकिन फिर भी सर आप सारी तरफ महारत हासिल है आपको बात करने की। सर मुझे ये बताइए कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल विल है वो किस तरीके आपको दिखाई देती है, क्योंकि ये जो मुद्दा आया त्वांग का, जहाँ पे भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ा और हम लगातार देख रहे हैं, उस पर भी पॉलिटिक्स हो रही है, उस पर भी अपोजिशन कई तरह के प्रूफ मांगता है, कई तरह के सवाल करता है। सर ये जो अंदरूनी कलह है असल में जो पॉलिटिकल लेवल पे हम दिखाई देती है, ये कितना हमको कमजोर कर देती है? बहुत। देखो जब भारत के देश की बात आती है, जब सिक्योरिटी की बात आती है, तो भारत के अंदर से एक आवाज आनी चाहिए, एक आवाज, और ऑपोजिशन को समझना चाहिए गवर्नमेंट के साथ। याद रखो अगर कोई भी 2-3 बातें चल रही है तो इसका फायदा चीन उठाता है। चीन ग्लोबल टाइम बार बार बोल रहा है कि भारत की ओपोजिशन ये पूछ रही है, तो ये सच्चाई है, एक आवाज आनी चाहिए। मगर ये भी सच है कि भारत बिल्कुल तैयार है, और अगर आप पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें तो मैं ये कहूंगा 2014 के बाद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप है वो बहुत क्लियर कट है। उसने पूरा छूट दे रखी है भारत की फौज को कि जो आप समझते हैं वैसे करें, और इसीलिए तो देखो मनोबल कितना बड़ा है कि यांगसे में 50 के करीब जवानों ने किस प्रकार से 300 चीनियों को खदेड़ दिया और मार मार के हालत खस्ता कर दी। ये सच्चाई है कि आज की तारीख में पॉलिटिकल लीडरशिप क्लियर कट है, उसकी डायरेक्शन बहुत क्लियर कट है, और वो आपको हथियार भी दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रही है, और आपको इक्विपमेंट भी दे रही है। मुझे लगता है कि अब उसमें की कोई कमी नहीं है, पर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए टाइम लगता है, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होने के लिए टाइम। शो को वाइंड अप करना है, लेकिन मैं 3 बड़ी बातें आपसे समझना चाहता हूँ बहुत संक्षिप्त में। वो 3 एरिया क्या है सर जिसपे हमें काम करने की जरूरत है? 3 बड़ी बातें बहुत शॉर्ट में बताइए। देखो पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है चीन के साथ जी। दूसरा हमने करना है अपने हथियार खुद बनाने, आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया। तीसरा है हमें डिपेंडेंसी जो है चीन पे ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कम करना है। ये जो 100 बिलियन से ज़्यादा हम लेते हैं ट्रेड, उसको कम करके आप कम करें, भारत में बनाएं या दूसरी जगह से लें, चीन से लेना बंद करें। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला और हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मिश्रा। तो ये वो बात है असल में जो समझनी होगी, और चीन को ये बताना होगा, उसकी आंखों में आंख डाल के ये समझाना होगा कि भारत अब बदल चुका है, यहाँ की आबो हवा 1962 की नहीं रही, अब हमें मुंह तोड़ जवाब देना आता है, और उसकी हर हिमाकत का, उसकी हर नापाक कोशिश का भारतीय सेना सक्षम है कि जवाब देगी। आप क्या सोचते हैं चीन की इस काली करतूत को लेके, चीन के नापाक इरादों को लेके, आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। प्लीज हमें सब्सक्राइब भी करिएगा, और आपके रिएक्शंस का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया देखने के लिए, नमस्कार। ये 2022 है, ये समझता क्यों नहीं है चीन सर, वो किस मुकाबले में है? 1962 में सच्चाई ये है कि इट वाज अ पॉलिटिकल डिफीट। 1967 में नथुला में एक बार फिर मुठभेड़ हुई, टोला में मुठभेड़ हुई, हमारे तो 40 के करीब जवान शहीद हुए, 400 से ज्यादा चीनियों को मौत के घाट उतार दिया था, तो हमने बता दिया था कि भारत क्या है।